मनीष शुक्ला और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत और अपना बिहार झारखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबर बिहार के मोतिहारी की है, जहां पे डॉक्टरों का एक डांस वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि ये वीडियो कोविड-19 के टीकाकरण के शुभारंभ के दिन का है। डॉक्टर्स इतने ज्यादा मग्न हो गए हैं ठुमके लगाने में कि उनको खुद कोविड-19 का ध्यान नहीं रहा। देखे रिपोर्ट। सरकारी अस्पताल में डॉक्टर और ANM का डांस वीडियो वायरल। मोतिहारी में आजकल एक वीडियो काफी ज्यादा चर्चा में है। ये वायरल वीडियो मोतिहारी का है, जहां डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी इस वायरल वीडियो में एक प्रभारी डॉक्टर अपने महिला स्वास्थ्य कर्मी के साथ जमकर ठुमके लगाते नजर आ रहे हैं। इस वायरल वीडियो के बारे में बताया जा रहा है कि वीडियो कोविड-19 के टीकाकरण के शुभारंभ के दिन की है। वहीं गौर करने वाली बात यह है कि म्यूजिक के धूम पर डॉक्टर और ANM ठुमके लगाने में इतने मगन थे कि उन्हें खुद कोरोना के नियमों का ख्याल नहीं रहा। वहीं दोनों बिना मास्क लगाए जमकर ठुमके लगाते नजर आ रहे हैं। वैसे इस खबर की पुष्टि एक्सप्रेस न्यूज भारत नहीं करता। बताते चलें कि वीडियो सदर प्रखंड के, जहां टीकाकरण के शुभारंभ के बाद सदर प्रखंड के सजावट वाली मीटिंग रूम में डॉक्टर शरण पासवान, जो यहां के प्रभारी भी हैं, अपने आशा कार्यकर्ताओं के साथ भोजपुरी के फुहार गानों के साथ ठुमके लगाते नजर आ रहे हैं जिला के हेडक्वार्टर सदर PHC में। वहीं इस डॉक्टर और ANM का यह वीडियो जिले में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। खबर महाराजगंज की है, जहां पे कहा जा रहा है कि JP यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर डॉक्टर फारूक अली का पुतला फूंक दिया गया। कहा जा रहा है कि छात्र छात्राओं कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उनके एग्जामिनेशन से ज्यादा लोगों का ध्यान कॉलेज को सजाने और संवारने में है। देखें रिपोर्ट। RSS ने JP यूनिवर्सिटी के कुलपति का पुतला दहन किया। खबर महाराजगंज से है, जहां अनुमंडल मुख्यालय के माझी बरौली सड़क पर छात्र संगठन RSS के द्वारा महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर जयप्रकाश विद्यालय के कुलपति डॉक्टर फारूक अली का पुतला दहन किया गया। विदित हो कि कुलपति को विश्वविद्यालय में पद ग्रहण के 6 माह होने वाले थे। अभी तक छात्रों के हित में किसी भी तरह का ठोस कदम नहीं उठाया गया। साथ ही इनके संरक्षण प्राप्त होते ही महाविद्यालयों में भ्रष्टाचार जोरों शोरों से बढ़ गया है। छात्रों का दोहन किया जा रहा है। महाविद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय परिसर तक अराजकता का माहौल बना हुआ है। स्नातक प्रथम खंड 2019-22 की लंबित परीक्षा कराने, PG की लंबित परीक्षाओं को लेने में उनकी कोई दिलचस्पी दिखाई नहीं दे रही है। RS नेता अमरेश सिंह राजपूत ने कहा कि कुलपति केवल विश्वविद्यालयों को सुंदर बनाने में लगे हैं। तालाब, स्टेज, मैदान के सौंदर्यकरण की चिंता है, ना कि छात्र छात्राओं की परीक्षा की। परीक्षा के लिए कुलपति ने कहा था कि नवंबर माह में ले लेंगे। हम लोग बार बार आंदोलन करते रहे, कुलपति केवल आश्वासन मंत्री की तरह आश्वासन देते रहे, लेकिन इस बार संगठन ने आज से चरणबद्ध तरीके से आंदोलन प्रारंभ कर दिया है। 1 सप्ताह के अंदर परीक्षा का डेट का अनाउंस नहीं होगा। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रमंडल के छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा के वंचित कराने का जो प्रयास कर रहे हैं, स्नातक प्रथम खंड सत्र 2020-23 में 50,000 से अधिक छात्र छात्राएं सड़क पर हैं। बढ़ोतरी के लिए अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन और राज्य सरकार को नहीं लिखा गया है। संगठन उनके इस मकसद को पूरा नहीं होने देगी। अगर 1 सप्ताह के अंदर विश्वविद्यालय प्रशासन हमारी मांगों पर विचार नहीं करती तो संगठन मजबूर होकर उग्र आंदोलन करने को बाध्य हो जाएगी। इस मौके पर छात्र नेता सहित कॉलेज के छात्र मौजूद रहे। आज आप कुलपति जी का पुतला दहन किए हैं, आखिर पुतला दहन किस लिए किए हैं? 6 माह कुलपति के आए हुए विश्वविद्यालय में हो गया JPU, आज तक कुछ नहीं किए। PhD के बोले कि भाई जनवरी में हो जाएगा, जनवरी में भी नहीं हुआ, जुलाई में बोल रहे हैं, उसके बाद हर एक बार वो डेट बढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग कुलपति का पुतला दहन। तो मुख्य मुद्दा आखिर क्या रहा है? कुलपति जी कहते हैं कि हम छात्र हित में एक से एक बढ़ के फैसला ले रहे हैं और सेशन जल्द करेंगे, हर सेशन को सुधारेंगे, तो फिर ये पुतला फूंकने का मतलब क्या रहा? और देखिए, कुलपति कुछ नहीं कर रहे हैं, वो मैदान बना रहे हैं, ग्राउंड बना रहे हैं, फुटबॉल का मैदान बना रहे हैं, तनसाई कर रहे हैं, लड़का सबके गुमराह कर रहे हैं। ठीक है, वो लड़का के हित में कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो इसके बाद का आपका अगला कदम क्या होगा? आपका हम लोग का अगला कदम होगा जाके विश्वविद्यालय में JPU में जाके हम लोग अनशन पर बैठेंगे। हम लोग का यही अगला कदम होगा। कब से भूख हड़ताल करेंगे? कब से? हम लोग 10 फरवरी से करेंगे।
प्रगतिशील बाल विकास फाउंडेशन में आज अर्चना कुमारी को ब्लॉक मैनेजर घोषित किया गया। इसी के साथ जब उन्होंने इस पद पर आकर शपथ ली तो उन्होंने कहा कि 3 साल से 10 साल के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना और महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को रोकना और उसी के साथ बाल विवाह को रोकने से लेकर वो समाज को जागरूक करेंगी। देखें रिपोर्ट। प्रगतिशील बाल विकास फाउंडेशन समस्तीपुर के संस्थापक मिथिलेश कुमार ने 5 फरवरी को नाकोटी प्रखंड के अर्चना कुमारी को ब्लॉक मैनेजर मनोनीत किया और अर्चना कुमारी ने ब्लॉक मैनेजर के पद पर शपथ लेते हुए बोली कि वे अपने इस संस्था के प्रति सच्ची निष्ठा के साथ अपने कार्य का निर्वहन करेंगी। प्रगतिशील बाल विकास फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जिसमें बच्चों को शिक्षा और एक सशक्त इंसान बनाने की नींव रखती है। इस संस्थान का उद्देश्य शिक्षित समाज का निर्माण करना है। 3 साल से 10 साल के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देना, बाल विवाह को रोकना, गरीब परिवार के बच्चों को माध्यमिक स्तर पर निशुल्क शिक्षा मुहैया कराना, अन्य कार्यक्रमों को लेकर लोगों को जागरूक करना, इन सब उद्देश्य के साथ नाफकोठी निवासी अर्चना कुमारी इस संस्था से जुड़ी है। मैं अर्चना कुमारी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं संस्था के विधि द्वारा स्थापित संस्था के कार्यों के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं संस्था की प्रभुता और अखंडता बनाए रखूंगी। मैं संस्था में अपना ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतर्मन से निर्वाह करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग के बिना सभी बच्चों के प्रति पढ़ाने में प्रति समर्पित रहूंगी। मैं अर्चना कुमारी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय संस्था के संग शिक्षिका के रूप में लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के या बच्चों के तत्व के सिवाय शिक्षिका के रूप में अपने कर्तव्य के निर्वहन करने के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो या न हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में विरोध। बेगूसराय पुलिस को आज बड़ी उपलब्धि हाथ लगी है। उन्होंने 4 लूट कांड और इसी के साथ गोलीबारी के 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 11 आरोपियों के पास से 6 मोबाइल फोन्स, 33,000 रुपए नगद और इसी के साथ एक लूटी हुई बाइक बरामद की है। देखें रिपोर्ट। बेगूसराय पुलिस को आज बड़ी उपलब्धि हाथ लगी है। पुलिस ने 4 लूट कांड एवं गोलीबारी सहित विभिन्न मामलों के 11 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साथ पुलिस ने अपराधियों के पास से 5 देसी कट्टा, 7 कारतूस, 6 मोबाइल, 33,000 नगद लूटी गई एक बाइक तथा घटना में प्रयुक्त एक अन्य बाइक भी बरामद की गई है। गौरतलब है कि जिले में इन दिनों अपराधियों का मनोबल चरम पर है और अपराधी बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। इसी कड़ी में 18 जनवरी को AFCI थाना क्षेत्र में एक जलीलपुर में एक बंधन बैंक के कर्मचारी से 1,00,000 नगद और मोबाइल की लूट की गई थी। तो वहीं 25 जनवरी को बीरपुर थाना के नूरपुर पुलिया के पास अपराधियों ने एक बाइक और मोबाइल की लूट की थी। 28 जनवरी को घेरारा OP के पकड़ी चौक में एक फाइनेंशियल कंपनी के कर्मी से 97,000 की लूट की गई थी। इन सभी मामलों में सरगना कौशल कुमार समेत पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान रिफाइनरी थाना क्षेत्र के चकवाली निवासी कौशल कुमार, सिंघोला थाना क्षेत्र के बाजवा चक निवासी चंदन कुमार, बरौनी थाना क्षेत्र के बिहट निवासी राजेश, मटिहानी थाना क्षेत्र के जगतपुरा निवासी आकाश कुमार, रिफाइनरी थाना क्षेत्र के चक बल्ली निवासी बिट्टू कुमार और बरौनी थाना क्षेत्र के स्मिरिया निवासी बबलू कुमार के रूप में की गई है। सभी आरोपियों ने घटना में अपनी सालिमता स्वीकार की है। इस मामले में भी पुलिस ने मुख्य आरोपी रामबाबू कुमार समेत श्याम कुमार, नीतीश कुमार और दीपक कुमार उर्फ बोडा को गिरफ्तार किया है। इस घटना को बदमाशों ने क्रिकेट खेलने के दौरान हुए विवाद के वजह से अंजाम दिया था। इसके साथ ही 1 जनवरी को शहर में ही एक व्यक्ति को गोली मारने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। हालांकि इस मामले में दोनों के बीच हथियार खेलने के दौरान गोली चलने की बात एसपी के द्वारा बताई गई है। अवकाश कुमार, SP बेगूसराय। दिसंबर के अंत में और इस वर्ष जनवरी के मिड के बाद साधारण मंडल क्षेत्र में कुछ लूट की घटनाएं प्रतिवेदित हुई, जिसमें कुछ फाइनेंशियल जो कर्मी थे उनसे कुछ रुपए लूटने के और रोड से कुछ मोटरसाइकिल लूटने के कांड प्रतिवेदित हुए थे, जिनके अनुसंधान के लिए, उद्भेदन के लिए और गिरफ्तारी के लिए एक टीम SDPO सदर के नेतृत्व में बनाई गई थी। ये टीम असूचना संकलन लगातार कर रही थी, तकनीकी भी और मैनुअल भी। इसी क्रम में कल 3 तारीख को सूचना मिली शाम में कि कुछ अपराधी FCI थाना क्षेत्र में एकत्रित हुए हैं हथियार के साथ और इसका सत्यापन करने के लिए और गिरफ्तारी करने के लिए जो टीम गठित की गई थी वो तत्काल वहां पर रश की और इस टीम ने वहां से
पांच लोगों को गिरफ्तार किया, पांच अपराधियों को गिरफ्तार किया अवैध अग्निअस्त्र के साथ। और इनसे जब पूछताछ की गई तो जो विगत कुछ दिनों में लूट की घटनाएं हुई थी ज़िले में उनका उद्भेदन हो पाया है। इसमें 18 जनवरी को FCIOP क्षेत्र से एक बंधन बैंक कर्मचारी से 1,00,000 रुपया और मोबाइल लूटने का कांड प्रतिबंधित हुआ था, उसमें अपनी संलिप्तता इन लोगों ने स्वीकार की है। 25 जनवरी को बीरपुर से एक मोटरसाइकिल लूटने की घटना हुई थी प्रतिबंधित, उसका उद्भेदन हुआ है और लूटी गई मोटरसाइकिल भी रिकवर कर ली गई है। 28 जनवरी को गढ़ारा ओपी के ठकुरी चक से फाइनेंशियल कर्मी से 57,000 रुपया लूटा गया था, उसमें भी इन लोगों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। और एक केस लास्ट ईयर दिसंबर का 16 दिसंबर का है, गढ़ारा ओपी का ही, भारो बांध के पास से एक बंधन बैंक के कर्मचारी के साथ इन्होंने लूट की घटना की थी, इसका भी उद्भेदन हुआ है। तो कुल 4 केसेस इन लोगों की गिरफ्तारी से डिटेक्ट हुए हैं। इनके पास से अवैध अग्निअस्त्र और 33,000 रुपया भी रिकवर हुआ है। अभी टोटल 6 लोगों की गिरफ्तारी इन 4 लूट के कांडों में हुई है। महत्वपूर्ण उपलब्धि है पूरी टीम की, इसमें 3 देसी कट्टा, 3 कारतूस, 5 मोबाइल, 33,000 नगद, 1 लूटी गई मोटरसाइकिल और 1 घटना में जो यूज़ की गई मोटरसाइकिल थी वो रिकवर की गई। 27 तारीख को टाउन थाना क्षेत्र के दिनकर कला भवन के सामने एक फायरिंग की घटना हुई थी जिसमें एक व्यक्ति घायल हुए थे और उनके बयान पे क्या कांड दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा था। उसमें बोधगया के आमवा गांव से पुलिस ने कोडराम से आ रही सीमेंट से भरी ट्रक से विदेशी शराब को बरामद किया है। इसी के साथ पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। देखे रिपोर्ट। गया पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर देर रात गया पुलिस और एक्साइज की टीम ने बोधगया के अम्बा गांव में छापेमारी करने पहुंची तो वहां से सीमेंट से लदी ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब को बरामद किया गया है। इस दौरान शराब माफियों ने पुलिस बल पर फायरिंग भी की, लेकिन टीम ने तत्परता के कार्रवाई करते हुए शराब से भरी ट्रक, एक वैगन कार, एक टाटा मैजिक, 2 मोटरसाइकिल, 7 मोबाइल फोन, 100 बोरा सीमेंट और 2,460 लीटर विदेशी शराब, 17,000 रुपए नगद के साथ साथ 6 शराब माफियों को गिरफ्तार किया गया है। गया SSP आदित्य कुमार ने बताया कि शराब माफियों के निशानदेही पर गांव में छापेमारी की गई, जहां से पुआल में छिपा कर रखे गए शराब को भी बरामद किया गया है। पूछताछ के दौरान यह खुलासा हुआ कि कोठराम के सीमेंट की ट्रक पर से 260 कार्टून और 403 बोतल विदेशी शराब को बरामद किया गया है। वहीं इस मामले में शराब माफिया का सरगना कौशलेंद्र सिंह, सूरज कुमार, जुबेर आलम, दिनेश कुमार, गौतम कुमार, रविंद्र कुमार को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार सभी लोगों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। आदित्य कुमार, SSP, गया। ये लगभग 2-3 दिनों से हम लोगों को एक सूचना प्राप्त हो रही थी कि यहाँ पे बोधगया थाना अंतर्गत एक गांव पड़ता है अम्बा, वहाँ के कुछ लोग हैं और यहाँ पे एक भारी मात्रा में शराब की डिलीवरी होने जा रही है। इसी के सत्यापन हेतु हम लोगों को ये सेम सूचना जो है मद निषेध विभाग से भी मिली और वहाँ से भी एक टीम आई और इसी में हम लोगों ने करने के लिए एक छापेमारी दल का गठन भी किया। SDPO बोधगया के नेतृत्व में, जिसको लीड कर रहे थे CTSP साहब, उनके नेतृत्व में सारा काम चल रहा था। इसी क्रम में जैसे इन लोगों ने देखा कि पुलिस वहाँ पहुँच गई है तो इनफैक्ट वहाँ पे इन्होंने एक रिटेलिएशन में एक फायरिंग भी करी और भागने का प्रयास भी किया। उसी समय इन लोगों ने पुलिस ने तत्परता से दिखाते हुए बड़ी साहस के साथ 3 लोगों को वहाँ से गिरफ्तार किया और साथ ही में 1 ट्रक, 1 वेगनार कार और 2 ऑटो मैजिक थे और 1 मोटरसाइकिल, इन सबको भगा के पकड़ा, जिसमें और जो बाकी व्यक्ति थे कुछ वहाँ से भाग गए और उन्हीं के बाद फिर जाके 100 बोरा सीमेंट के अंदर एक ट्रक में छिपा के रखा था। उसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें एक सूरज कुमार यादव है, ये तिलैया का रहने वाला है, कोडरमा, एक कौशलेंद्र सिंह है, ये अम्बा बोधगया का ही रहने वाला है, एक जुबैर आलम है, ये थाना मुफस्सिल का रहने वाला है, एक दिनेश कुमार है, ये कोच का रहने वाला है, गौतम कुमार ये सिविल लाइन्स का रहने वाला है, एक रविंदर कुमार। इसमें जो इनका मेन सरगना था एक कौशलेंद्र था ना, हाँ कौशलेंद्र जो था ये मेन इनका सरगना था। इसमें पूर्व में भी हम लोगों को कई बार सूचना मिलती थी कि इसके द्वारा ये शराब का कार्य यहाँ किया जाता है, हम लोग भी बहुत दिनों से इसमें लगे हुए थे। इस बार ये बहुत दिनों बाद ये पकड़ा गया है। इसमें एक 10 ट्रक का ट्रक है जो पकड़ा गया है, एक वेगनार कार है जो पकड़ी गई है, 2 टाटा मैजिक पिकअप हैं, 2 मोटरसाइकिल हैं,
और टोटल इसमें मिला के लगभग 2461 लीटर शराब है जो पकड़ी गई है। 7 स्मार्टफोन्स हैं, अभी इसमें हम लोग आगे भी लीड लेंगे कि क्या उसमें पता चल सकता है। लगभग 18,000 रुपये नकद पकड़े गए हैं और जो जिस ट्रक में लदा हुआ था उसमें 100 बोरे सीमेंट के भी थे। इसमें प्रशिक्षु DSP हैं कुंदन कुमार, इनका इन्होंने भी बहुत अच्छे से इसमें काम किया है। SDPO बोध गया थे, इनके नेतृत्व में बहुत अच्छे से काम किया है और काफ़ी दिनों से हम लोग इनकी क्या ट्राई कर रहे थे। बोध गया SDPO द्वारा बताया गया कि इनको भी सूचना रहती थी मगर कोई सबूत नहीं मिल पा रहा था। इस बार हम लोगों ने सबूत के साथ इसको पकड़ा है और आगे भी इसमें कुछ नेटवर्क का हम लोगों को लिंक मिला है जिसमें आगे भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। बिहार के गया जिले से अवैध हथियार तस्कर को गया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार तस्कर के पास से 5 पिस्टल, 10 मैगजीन और इसी के साथ एक जिंदा कारतूस से लेकर नगद भी बरामद किए गए हैं। देखें रिपोर्ट। बिहार के गया जिला के कोतवाली थाना क्षेत्र के पंचायती अखाड़ा मोहल्ले में अपराधियों के द्वारा अवैध हथियार की तस्करी की सूचना पर गया पुलिस की विशेष टीम ने 2 हथियार तस्कर को धर दबोचा है। वहीं उसके पास रहे एक झोले से 5 न्यू देसी पिस्टल, 10 मैगजीन, एक जिंदा कारतूस और 60,680 रुपए को बरामद किया है। गिरफ्तार अपराधी नवादा जिले का रहने वाला है जो पंचायती अखाड़ा मोहल्ले के मौसेराज के मकान में किराएदार है। मोहम्मद सिकंदर खां और रेहान आलम को गिरफ्तार किया गया है। गया SSP आदित्य कुमार ने बताया कि अवैध हथियारों के तस्करी करने वाले अपराधियों के निशानदेही पर कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है। वहीं गिरफ्तार अपराधियों का आपराधिक इतिहास खंगालने में जुटी है। ले जाओ राजकुमार, करवा ये। गया पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी कि कोतवाली थाना क्षेत्र में एक आर्म्स का केप जो है वो आने वाली है और इसमें आगे इसकी डिलीवरी की जाएगी। एक जो रैकेट है वो आएगा पंचायती अखाड़ा में और इसमें अवैध जितने भी हथियार हैं उसमें बेचे जाएंगे। इसी में सीनियर ऑफिसर्स की टीम बनी, इसमें CTSP साहब के नेतृत्व में और SDPO टाउन के नेतृत्व में एक टीम फॉर्म करके तुरंत कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के दौरान वहाँ पे हम लोगों को बिल्कुल रिसेंटली ब्रांड न्यू मेड 5 पिस्टल्स मिली हैं जिसके साथ में 10 पीस मैगजीन है और एक जिंदा गोली मिली है 7.65 बोर की। कुछ नगद कैश बरामद हुआ है 61,000 के आसपास और 2 लोगों की गिरफ्तारी इसमें हुई। एक सिकंदर खान, ये मुफस्सिल थाना का रहने वाला है और एक रेहान आलम, ये नवादा जिला का रहने वाला है, भदानी गली न्यू ब्रिज का रहने वाला है। इसी क्रम में हम लोगों ने पूछताछ के क्रम में पता चला कि एक पूरे नेक्सस का पता चला है जिसमें हथियार जहां से आते थे और जहां पे जाते थे। इसी क्रम में हम लोगों को ये भी पता चला है कि यहां से हथियार आगे कहां जाना था। एक हथियार तस्कर हैं, उसको भी आइडेंटिफाई हम लोगों ने किया है और बहुत जल्दी हम लोग उसकी भी अरेस्टिंग करेंगे। और मुझे लगता है कि एक बड़ा ग्रुप है, इस चेन को हम लोग पूरा ख़त्म कर पड़ेंगे और हम लोग इसमें लॉजिकल कंक्लूजन के लिए के तक पहुंचने के लिए इसमें जहां से हथियार बन रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए वहां तक हम लोग इसमें बहुत जल्दी पहुँचने में सफल होंगे। गिरफ्तारी कोतवाली से ही हुई है, कोतवाली थाना एरिया से ही हुई है। मुंगेर निर्मित बताया जा रहा है? मुंगेर निर्मित नहीं है ये हथियार, एक अलग जगह से सूचना मिल रही है कि वह बनाया गया है क्योंकि ये ब्रांड न्यू है। इसमें लेयर्स में इन लोगों ने अपनी एक चेन बना रखी थी कि जो मेन बनाने वाला है वो किसी और को देता है, जो दूसरा बनाने वाला जो है लेने वाला है वो किसी और को देता है। ये थर्ड चेन वाले हम लोगों के पकड़ में आए हैं, अभी सेकंड चेन और फर्स्ट चेन वाले पे हम लोग की कार्रवाई है और इसके नीचे जो जिला वाइज जो लोग बनाते हैं उसमें हम लोगों ने 1-2 लोगों को और चिन्हित किया है। छापेमारी की थी, संभवतः उन लोगों को हिंट लग गया था क्योंकि ये लोग हथियार लेके नहीं पहुंच पाए थे तो इसलिए वो लोग भाग गए हैं, परंतु नाम चिन्हित है, बहुत जल्दी उनकी भी गिरफ्तारी होगी। अभी ये नहीं बताया कि कहाँ इस्तेमाल करना है। इसी क्रम में पता चला कि पूर्व में भी इसने 2 हथियार यहाँ बेचे थे, उसका भी हम लोगों ने आइडेंटिफिकेशन किया है, बहुत जल्दी हम लोग उसकी भी रिकवरी करेंगे। सर नवादा में भी 2 लोग गिरफ्तार हैं, उससे भी कुछ कनेक्शन है? नहीं, नवादा से ये रहने वाला जो आपका रेहान है ये वहीं का रहने वाला है, ये वहीं से लेके आया था हथियार को। हम लोग आगे भी इसमें लगे हुए हैं और नवादा का भी कुछ कनेक्शन है, हम लोग इसके हिसाब से बात करके उसमें आगे कोऑर्डिनेट करके कार्रवाई करेंगे। सुदामा अपार्टमेंट से किसकी गिरफ्तारी हुई? कहाँ से? ये सिकंदर खान और रेहान आलम, ये 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो ये गिरफ्तारी मतलब ये सुदामा अपार्टमेंट से या फिर कहीं और से? यहीं से है, आपके कोतवाली एरिया से ही।
थाना रामपुर पहुंचा था उसकी अरेस्टिंग नहीं हुई है, उसकी जो है अरेस्टिंग नहीं है, पूछताछ के लिए हम लोगों ने बुलाया था उसको, और जिसका आप नाम ले रहे हैं वो वहाँ से अरेस्टिंग नहीं है, पूछताछ के लिए बुलाया गया था, जिसको छोड़ दिया गया। इस मामले में कोई माइनर की हिरासत में क्या? नहीं, कोई माइनर नहीं है, जो सप्लाई के काम कर रहे थे? नहीं, कोई माइनर नहीं। शत चंडी महायज्ञ में आजकल श्रद्धालुओं की काफी ज्यादा भीड़ उमड़ रही है। कहा जा रहा है कि मां दुर्गा की भव्य आरती का आयोजन शाम को किया जाता है और उसी के साथ पूरे मंत्र उच्चारण के साथ उनकी पूजा की जाती है। शाम को जो आरती होती है उसका दृश्य काफी ज्यादा मनोरम होता है, इसीलिए महिलाएं काफी ज्यादा उस मंदिर में आती हैं। देखें रिपोर्ट। शत चंडी महायज्ञ में आजकल श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। वैदिक मनोचार की गूंज, हवन, पूजन, आरती के भव्य आयोजन से क्षेत्र में देवीय माहौल हो गया। वहीं सुबह के कार्यक्रम में शत चंडी महायज्ञ के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने आहुति देकर जीवन को धन्य किया। आचार्य ने यज्ञ की महिमा को बताते हुए कहा कि माँ दुर्गा शक्ति की देवी है। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए जिस यज्ञ विधि को पूर्ण किया जाता है उस शतचंडी यज्ञ का कहा जा उसे शतचंडी यज्ञ कहा जाता है। यज्ञ को सनातन धर्म में बेहद शक्तिशाली वर्णित किया गया है। वहीं संध्या में पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ भव्य आरती की गई, साथ ही 97 भोग लगाकर प्रसाद बांटा गया। भव्य आरती से माहौल भक्ति भय नखास चौक पर वेड़ी देवी समिति के तत्वाधान में महाआरती का आयोजन किया गया। इस महाआरती के माध्यम से आह्वान किया गया कि आतंकवाद और पर्यावरण के साथ कोरोना संकट से अक्रांत संसार शांति और भाईचारा को आत्मसात करके मानवीय मूल्यों की रक्षा करने के लिए अग्रसर हो। असंख्य दीपों से सुसज्जित इस महाआरती में घड़ी, शंख ध्वनि तथा लोगों के जयकारे देर तक गूंजते रहे। महाराजगंज के पूजा समिति के सदस्य राजेश अनल, हरिशंकर अनीश, पूर्व विधायक हेम नारायण शाह सहित अन्य कार्यकर्ताओं के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के पश्चात ज्योति जगाई गई, जिसकी दीप प्रज्वलता का छठा एक अलग मनोरम दृश्य देखने को मिला, जिसमें महिलाओं की काफी भीड़ उमड़ रही थी। मधुबनी जिले से 3 भाइयों का कहना है कि उन्हें उनके पड़ोसी ही आराम से उन्हीं के घर में नहीं रहने दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि वो घर उनके पिता उनके नाम करके गए थे और जब उन 3 भाइयों ने अपना घर बनवाना चाहा तो उसके बाद उनके पड़ोसी हाथापाई पर उतर आए। देखें रिपोर्ट। मधुबनी जिले के खजौली प्रखंड स्थित कन्हौली पंचायत में अवस्थित 3 भाइयों को 1959 ईस्वी में पर्चा दाखिल किया गया था, जिसके बाद यह 3 भाई उस जमीन पर आराम से अपना जीवन यापन कर पा रहे थे, मगर एक दिन पड़ोसियों ने इन लोगों का जीना मुहाल कर दिया। कन्हौली पंचायत के यह अमोद कर्ण, जो कि इनके पिताजी के नाम पर है, सरकार ने पर्चा दाखिल कर दिया था। उस जमीन के नाम अमोद कर्ण को इंदिरा आवास योजना का लाभ मिला था, जिसके बाद इन्होंने उस जमीन पर अपना आशियाना बनाना शुरू कर दिया। आशियाने धरातल से लेकर छत लेवल तक बन गया। उस समय तक कोई भी पड़ोसियों ने अपनी जमीन की बात नहीं बताई, मगर जैसे ही छत की ढलाई करने लगी तो पड़ोसियों ने हमला करना शुरू कर दिया। यहां तक कि अमोद कर्ण के चाचा को सिर भी धारदार हथियारों फाड़ दिया जिसके बाद यहां इंदिरा आवास से बन रही आशियाने आज तक अधर में ही लटका हुआ है। आइए ले चलते हैं आपको आरटीआई एक्टिविस्ट अमोद कर्ण के घर, जहां विवादों का विवाद देखा जा रहा है। यहां अमोद कर्ण की बड़ी माता राम है और यहां खुद भी बता रही हैं कि यह जमीन का पर्चा मेरे पति के नाम से मिला था, मगर पड़ोसियों ने जबरन कब्जा करना चाहते थे। और जरा सुन लीजिए इस पीड़ित फरियादी की मुंह जुबानी। प्रधानमंत्री के पास जाओ, कहीं पर आओगे तो आएगा यहाँ पर स्थल पर हम तुमको होने ही नहीं देंगे। 9 हो गया और 9 से हम सब विचार विवश हो गए हैं। मिली भगत करके तो क्या लग रहा है, अब उम्मीद भी है आपको कि कोई उम्मीद नहीं है? 18 को भी 18/1 को भी सीमांकन के लिए अमित शाह आए हुए थे, लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के आदेशानुसार आए, खाना पूर्ति करके चले गए। कहीं सीमांकन नहीं हुआ, कहीं बाउंड्री वॉल नहीं हुआ। उम्मीद नहीं है जो इस सरकार में न्याय मिलेगा। और ये था आज का अपना बिहार झारखंड। मुझे जाने की दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ भारत।